135 सीटों पर फंसा इंडिया अलायंस की सीटें। बता दें कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस में घमासान लड़ाइयाँ चल रही है। बता दें कि देश भर में इस साल होने वाले लोकसभा सीट चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है, लेकिन अब उनमें ही अपनी सामंजस्य नहीं है। स्थिति यह है कि क्षेत्रीय पार्टी अब कांग्रेस को दरकिनार करने में एकजुट हो गई है। बता दें कि इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल और पंजाब है, जहां क्रमशः 42 और 13 लोकसभा सीटें हैं। 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में मायावती भी अकेला चलो राह पर चल पड़ी है। हालांकि भाजपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। इंडिया अलायंस में 135 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आइए जानते हैं अब कांग्रेस के पास रास्ता क्या बचा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में जिस तरीके से ये हलचल पैदा चल रही है, अब इनमें से बराबरी सीटों पर मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सीएम ममता बनर्जी ऐलान करती हैं कि टीएमसी सभी सीटों पर अकेला चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से ममता ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। जिसमें पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 13 लोकसभा सीटों हैं, जहाँ पे अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहा जा रहा है कि राज्य में हमारी ही साथ मिलकर चुनाव लड़नी होगी, जिसमें से चुनाव नहीं भी हो सकता है। बढ़िया, तो इसको लेकर भी बहुत हलचल तेज हो गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ भी इंडिया गठबंधन सामने बड़ी चुनौती लेकर सामने खड़ी है और इसमें भी उलटफेर का दाव चल रहा है और सभी राज्यों में ऐसे ही फिलहाल कांग्रेस के साथ हो रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।